नैनीताल की ठंडी सड़क पर शुक्रवार रात्रि के बाद से लगातार जारी भूस्खलन सोमवार की रात्रि फट ही गया है। यहां रात्रि में धमाके के साथ भारी मात्रा में मलबा ठंडी सड़क से होते हुए नैनी झील में समा गया है। उल्लेखनीय है कि भूस्खलन डीएसबी परिसर के केपी छात्रा छात्रावास के नए बने खंड के ठीक नीचे बिल्कुल अहाते से हो रहा है, इसलिए केपी छात्रा छात्रावास के नए व पुराने दोनों खंडों को इससे खतरा उत्पन्न हो गया है। भूस्खलन की वजह से कई पेड़ भी गिर गए हैं और बिजली की लाइन व ठंडी सड़क के किनारे लगी रेलिंग भी क्षतिग्रस्त हो गई है और नए लगे स्ट्रीट लाइट के पोल भी ढह गए हैं। गौरतलब है कि ठंडी सड़क पर पैदल आवागमन पहले ही रोक दिया गया है। भूवैज्ञानिक डॉक्टर बहादुर सिंह कोटलिया ने इसे गंभीर बताते हुए नैनीताल के लिए अलार्मिंग यानी चेतावनी कहा है और भविष्य में इस भूस्खलन के बलिया नाला की तरह खतरनाक होने की भी संभावना जताई है। नवीन समाचार पर यह तथा अन्य समाचार विस्तार से पढ़ने के लिए नवीनसमाचार.com पर क्लिक करें और तत्काल तथा लगातार नवीन समाचार प्राप्त करने के लिए हमें फॉलो हो सब्सक्राइब करें या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। अब हम हर रात्रि 9 बजे उत्तराखंड की टॉप 5 समाचारों का प्राइम टाइम बुलेटिन और अंग्रेजी में भी समाचार प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको हमारे यह प्रयास कैसे लग रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। धन्यवाद।